ज़्यादा ज़्यादती है, इतनी ज़्यादा ज़्यादती है कि पेट्रोल जो है आसमान को ना उसकी कीमतें छू रही हैं। और गरीब बंदा यकीन करे 500 रुपए किलो टमाटर, आलू 200 रुपए किलो, कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ बेचारे गरीब लोगों पे रहम करें। आप यकीन करें, एक तो हम सैलाब से मारे गए हैं सारे, और दूसरा हम लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा धोखा, रिजीम चेंज ला के खान साहब को नीचे गिरा के खुद आके बैठ गए हैं। कौन सी उन्होंने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़े मुनाफिक हैं, इनको अल्लाह के हजूर जाके ना एक एक चीज़ का जवाब देना होगा। इन्हें गरीब लोगों के हक जो इन्होंने खाया है ना, ये हमारी जुडिशली करप्ट, ये हमारे लिफाफा हमारे जर्नलिस्ट वो करप्ट, ये ब्यूरोक्रेट करप्ट। मैं कहती हूँ कि खान साहब को समझ नहीं आएगी कि वो बेचारा कहाँ से शुरू करेगा कि हम लोग सीधे होंगे। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। यकीन करें, दिल बहुत दुखता है बेचारे गरीब लोगों को देख के, और कोई बात नहीं है कि बेचारा इस उम्र में भी, ही 70 ईयर्स ओल्ड हमारा लीडर, तो इसमें भी वो इतनी मेहनत मुशक्कत कर रहा है। समझ नहीं आ रही कि अल्लाह की मदद जब तक हमें नहीं आएगी हम लोग क्या करेंगे। हम अपनी माओ बहनों को ये मैं कहना चाहूँगी कि सब घर बार छोड़ के बाहर निकले, हमारी तरह हम भी अपने बच्चे घरों में छोड़ के आए हैं, हम भी अपना सब कुछ घर में चूल्हे बंद करके आए हैं, और यहाँ आके हम लोग खान के कहने के ऊपर उबे कर रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं। मैं कहती हूँ कि खान साहब को जो चार बंदों के नाम लेने हैं ना, ले लेने चाहिए, क्योंकि उनके लेने से दुनिया में पता चलेगा कि खान साहब को क्या नहीं पता, खान साहब को कैसे हटाया गया, खान साहब के लिए पीछे क्या साजिश की गई, सब कुछ पता है। खान साहब हमें कॉल करें, हम उनके कहने के लिए हाजिर हैं, और पूरी दुनिया को इस चीज़ की रिपोर्ट पहुंच जाएगी।